हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर हमारा चल रहा है और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 6। तो मुझे उम्मीद है आप सीक्वेंस में सभी वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वीडियोस से फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताया जरूर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9654193705 और आप GSK क्लासेस की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। तो आपको बेनिफिट काफ़ी सारा वहाँ पर मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मैं वहाँ पर डालने वाला हूँ जो कि आपको एग्जाम से पहले जरूर देख कर जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि भाई ये क्या है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, ये वाला आपको समझ नहीं आता है। चलिए अब मैं इसको समझा रहा हूँ। क्लास 11th से ही मैं इसका बेस रखूँगा। कई बार ये होता है क्लास 11th में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक चैप्टर हुआ करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो आज सभी बातें डिसोल्यूशन में कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्योंकि डिसोल्यूशन में कई जगह आपने ये देखा है। जिन स्टूडेंट ने ये डिसोल्यूशन का चैप्टर किया है बिल डिस्काउंटेड की बड़ी सारी उन्होंने कई जगह देखी है एंट्रीज आते हुए, तो इसको जरा हम क्लियर कर लेते हैं। सुनिए, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये है बिजनेस में एक बिजनेस मैनेजर मिस्टर ए, उसके पास एक पर्सन आया। अब मैं बिल क्या होता है पहले उसको क्लियर कर रहा हूँ। एक पर्सन आया मिस्टर वाई इसके पास आया कि इससे कह रहा है मिस्टर ए से कि भाई साहब हमें गुड्स उधार दे दीजिए। तो मिस्टर ए कहता है भाई साहब आपको मैं जानता भी नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, तो मैं आपको गुड्स उधार कैसे दे दूँ, आप तो पैसे नहीं दोगे कल को। तो अब इसने क्या करा, इसने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो ए मान गया। इसने कहा कि भाई कितने रुपए की गुड्स चाहिए। मिस्टर वाई ने कहा ए को कितने रुपए की मिस्टर वाई ने कहा ए को कि भाई मुझे चाहिए 1,00,000 रुपए की गुड्स। अब मिस्टर ए ने कहा भाई साहब हम आपको 1,00,000 रुपए की गुड्स नहीं दे सकते हैं, हम आपको केवल दे सकते हैं 20,000 के। अगर आप एग्री करें तो हम आपको सिर्फ 20,000 के दे सकते हैं। और बात ठीक भी है क्योंकि अनजान बंदा है तो हम इसको इतने ज़्यादा उधार नहीं दे पाएंगे, ठीक है। या फिर जान पहचान है तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। अब हम इससे ये हमारा क्या हुआ डेटर। अब पता क्या हुआ, हम इसको क्या कर रहे हैं कि भाई हमने इसको गुड्स कितने लिए यानी सेल कितने की 20,000 की और हम ये हमारा हो गया डेटर। अब मिस्टर ए कहता है यार कल को हो सकता है ये बंदा पैसे ना दे, तो हम एक काम करते हैं इससे एक रिटर्न प्रोमिस ले लेते हैं, एक लिख के ले लेते हैं, लिखवा लेते हैं कि भाई आप हमें वादा करो कि आप हमें पैसा दोगे आने वाले 3 महीने के बाद, ठीक है। चलो मान लो आज तारीख है 27 अगस्त 2019, ठीक है, प्लस 3 महीने इसमें ऐड कर दो, 3 मंथ्स इसमें ऐड कर दो, और प्लस 3 ग्रेस डेज। जिन स्टूडेंट ने 11th में कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ा हो उनको याद आ गया होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो 3 अगस्त हमारा कौन सा महीना होता है, 8वां, 8 + 3 = 11, नवंबर आ गया और 3 ऐड करेंगे तो 30th नवंबर, 3 ग्रेस डेज होते हैं, ये मार्केट कन्वेंशन है। कितना आ गया 30th नवंबर 2019, ठीक है, ओके। तो 30th नवंबर को वो पैसे देगा, ऐसा रिटर्न में ले लो, प्रोमिस उससे करा लो। तो यहाँ पे मिस्टर ए यहाँ पे लिखेगा पे ₹20,000 टू मिस्टर ए और ऑर्डर 3 मंथ्स आफ्टर डेट। हम यहाँ पे डेट भी लिखते हैं, डेट ऑफ बिल जिसको हम बोलते हैं 27 अगस्त 2019, यहाँ पे बिल की डेट लिख दी है। मतलब ये मतलब हुआ कि पे मिस्टर वाई पे करेगा 20,000 टू ए, ए को पे करेगा या फिर ए जिसको बोलेगा, और ऑर्डर ए अगर बोलता है कि भाई मेरे भाई को दे देना तो मिस्टर वाई उसके भाई को देगा, ए कहता है मिस्टर एक्स को दे देना तो वाई मिस्टर एक्स को दे देगा, ठीक है। 3 मंथ्स आफ्टर डेट, मतलब ये जो डेट ऊपर लिखी है 27 अगस्त, इसके 3 महीने के बाद जो भी डेट आएगी, मतलब 30 नवंबर 2019, उस दिन पैसे मिस्टर वाई ए को पे करेगा या ए जिसको बोलेगा। ए यहाँ पे अपने साइन करके बी को बोलेगा आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि आप ऐसा करने का प्रोमिस
आप कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई ने इस बात को पढ़ा कि भाई मैं 20,000 रुपए ए को या फिर ए जिसको बोलेगा 3 महीने के बाद दूंगा, तो वाई ने कहा ठीक है मैं इस बात के लिए एग्री कर लेता हूँ। तो वाई ने अपने साइन कर दी। तो यही डॉक्यूमेंट ए के लिए बन गया बीआर बिल रिसीवेबल, और वाई के लिए बन गया ये बीपी, इसके लिए लायबिलिटी हो गया और इसके लिए हो गया ये एसेट, ठीक है। अब बात आती है सेकंड, डिस्काउंटिंग क्या होता है। अब होता ये है, ए को पैसे मिलेंगे 30 नवंबर 2019 को। एग्जांपल सुनो ध्यान से, अब हमारे काम की बात आ रही है। ए को पैसे कब मिलेंगे इस बिल से? 30 नवंबर 2019 को। तो अब ए के पास एक ऑप्शन रहता है, ए अपने बैंक में जाए, ए का बैंक मान लो यानी बिजनेस का जो बैंक है वो एसबीआई में, एसबीआई है उसका, एसबीआई में खाता है, अकाउंट है, करंट अकाउंट। तो ए जाएगा, मिस्टर ए जाएगा बैंक के पास बिल लेकर, क्योंकि ये बिल किसके पास होगा? ए के पास। ये बिल बैंक को दे आएगा और बैंक इसके बिहाफ पे इसको अमाउंट पे कर देगा। किसको? ए को। अच्छा, बैंक कितना अमाउंट पे करेगा? बैंक अमाउंट पे करेगा 20,000 रुपए, लेकिन बैंक कहेगा ये पैसे मुझे किससे मिलेंगे? मिस्टर वाई से। और वाई से कितने दिन बाद मिलेंगे? 30 नवंबर, यानी 3 महीने के बाद मिलेंगे। तो बैंक कहता है वाई ए को कि भाई साहब 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे एडवांस में आप दे दीजिए। ए कहता है आप मुझे 20,000 रुपए देंगे, उसी में से अपना ब्याज काट लो। मतलब ये हम मान लेते हैं 19,500 ए को मिल गए और 500 का बैंक ने क्या कर लिया? अपना चार्ज लगा दिया, क्योंकि बैंक फ्री में थोड़ा देगा। बैंक ने 20,000 रुपए देने ए को, लेकिन बैंक कहेगा ना भाई साहब 500 रुपए मुझे ब्याज भी तो चाहिए, मुझे पैसे मिलेंगे वाई से 3 महीने के बाद, तो उस चीज के लिए मैं क्या लूंगा? आपसे ब्याज लूंगा। तो वही है डिस्काउंटिंग चार्ज। होता ये इंटरेस्ट ही है, लेकिन इसको कहते हैं हम डिस्काउंटिंग चार्ज। तो आपको बात याद आ गई हुई, 11th क्लास की बात है, लेकिन कई बार होता है 11th क्लास में स्टूडेंट पढ़ता नहीं है ध्यान से, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। तो ए को मिल जाएंगे 19,500 और 500 रुपए उसके डिस्काउंटिंग चार्ज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वाई, मैच्योरिटी डेट आई कितनी? 30th। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं आपको। अब ये बैलेंस शीट हम ए की बना रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा, ये बैलेंस शीट बन रही है ए की, मिस्टर ए की, यानी मिस्टर ए जो मैनेजर है उसके बिजनेस की बैलेंस शीट बन रही है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि भाई ये जो बिल था, पहले जब हमारे हाथ में बिल था तो हमने रखा था इसको एसेट साइड पर, लेकिन अब ये बिल हम किसको दे आए हैं? अब ये बिल हम दे आए हैं बैंक को। ध्यान से सुनना, ये बिल हमारे पास नहीं है। जब डिस्काउंटिंग कराई जाती है तो ये बिल किसके हाथ में चला गया? बैंक के हाथ में। अब हमारे हाथ में बैंक बिल नहीं है। अब हम वाई को फोन करके, यानी मिस्टर ए वाई को फोन करके क्या बोलेगा कि वाई जी आप ये पैसे किसको दे दोगे? बैंक को दे दोगे। 30 नवंबर को ये पैसे आप किसको दे देना? बैंक को दे देना, ठीक है। अच्छा, अब ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये हमारी बन जाती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। मतलब ये कि भाई चांसेस तो कम है, मेरी बात सुनना, चांसेस तो कम है कि वाई बैंक को पैसा ना दे। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि भाई हो सकता है आपके होने के चांसेस हैं 5 से 50% तक। ऐसा हो सकता है कि ये जो पैसा है बैंक को देना है वाई को, वाई बैंक को पैसा ना दे तो उस सिचुएशन में ये पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। सर ये क्या बोल रहे हो? मतलब ये बैंक वाई से झगड़ा नहीं करेगा, अगर बैंक को 30 नवंबर को पैसे नहीं मिले तो वो आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं हमारे अकाउंट में पैसे ना हो, तो भाई आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो नेगेटिव कर देगा, और जो नेगेटिव बैलेंस होगा जल्दी जल्दी आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो बैंक उसके ऊपर ब्याज लगाता रहेगा और बैंक का पैसा नहीं मारा जा सकता। इतनी इजीली बैंक का पैसा नहीं मरता है, ठीक है, तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी हमें दिखाने का रीजन क्या होता है कि जब बिल डिस्काउंट हम करा लेते हैं तो फिर भी हमारे सर पे एक तलवार लटकी रहती है कि क्या पता वाई पैसे ना दे और उस सिचुएशन में बैंक को पैसे कौन भरेगा? बैंक को पैसे भरेंगे हम। तो इसीलिए जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं
तो वहां पे बोल रहा होता है कि भाई वाई ने पैसे बैंक को नहीं भरे हैं, यानी वाई डिसओनर हो गया है, चेक हो गया है डिसओनर, वाई ने पैसे नहीं दिए। तो होता क्या है, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है। हमारा बैंक बैलेंस कम होने का मतलब हमने पेमेंट की है, बिल जो डिस्काउंट किया था, बिल डिस्काउंट वाला जो बिल था उसकी पेमेंट किसने करी है, वो हमने की है। तो हम उसको मान लो वो जो बिल था वो कितने का था, 20,000 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000। ठीक है, अब मुझे बताओ वाई मेरा बन गया डेटर, क्या मैं वाई को नहीं बोलूंगा कि भाई वाई जी आपने गलत किया, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, बिल डिसओनर आपने कर दिया, अब आप हमें पैसे दोगे, अब वाई हमारा दोबारा से डेटर बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन आगे भी बढ़ता है, क्वेश्चन कहता है वाई से जो रिकवरी हुई, वाई से जो रिकवरी हुई वो केवल 50% की रिकवरी हुई, तो आपको पैसे कितने मिले वाई से, वाई से पैसे मिले 10,000 और बाकी वो हो गया इंसॉल्वेंट 50%। ऐसे क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है, 50% ऑफ 20,000, तो जितनी भी रिकवरी बाद में हो रही है तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। मतलब देखिए ध्यान से, आपने भरे 20,000 रुपए, आपको रिकवर कितने हो पाए, ओनली 10,000, तो आपका यहाँ पर लॉस डेबिट साइड पर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, अगर फुल अमाउंट की वो इंसॉल्वेंसी हो जाती, मतलब वो आपको देते ही ना, वो इंसॉल्वेंट ही हो जाता, फिर क्या होता, फिर आपका यहाँ पे 10,000 नहीं आता क्योंकि आपको कोई रिकवरी नहीं हुई, फिर आपका लॉस हो जाता 20,000। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई आपका डाउट बच गया है इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट करके, और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करा करें क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए। कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका अगर डाउट में हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा जरूर। ओके, चलिए बाय बाय।